सो हाई गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल तो इंडिया में रेडमी की नोट सीरीज के काफी सारे फैंस हैं और इंडिया में रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स का वेट कर रहे हैं और रेडमी की नोट सीरीज में स्पेसिफिकेशन भी काफी बेटर देखने को मिलते हैं बट अभी तक रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई भी ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है लेकिन आज के इस वीडियो में हम रेडमी नोट इलेवन प्रो मैक्स स्मार्टफोन के उन्नीस स्पेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है और स्मार्टफोन में देखने को मिल सकते हैं एंड साथ में रेडमी नोट इलेवन सीरीज कब तक इंडिया में आने वाली है और रेडमी नोट इलेवन प्रो मैक्स स्मार्टफोन की प्राइस क्या देखने को मिलेगी सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पर मैं ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ तो सबसे पहले फ्रेंड्स की बात करें तो रेडमी नोट इलेवन प्रोमेस स्मार्टफोन में आपको कोड कैमरा का सेटअप दिया जाएगा जिसमें प्राइमरी शूटर एक सौ का मिल सकता है और इसके अलावा इसमें आपको एट मेगा का अल्ट्रा वाइड एंड टू टू मेगा पिक्सल या फिर फाइव प्लस टू मेगा के सेंसर देखने को मिलेंगे बट अब की बार आपको Redmi नोट प्रो मैक्स स्मार्टफोन में कैमरा ऑप्टिमाइजेशन प्रीवियस नोट टेन प्रो मैक्स स्मार्टफोन से बेटर देखने को मिल सकती है और फ्रेंड्स स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप मैक्स पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे एंड फ्रंट साइड में आपको इस स्मार्टफोन में 16 का सेल्फी शूटर दिया जाएगा और इसकी अलाइनमेंट आपको सेंटर में पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिलेगी और अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो ये वाला पार्ट आपको ऑलमोस्ट रेडमी नोट टेन प्रो स्मार्टफोन के सिमिलर देखने को मिल सकता है बिकॉज बताया जा रहा है कि Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन में भी 6.67 इंचेस की FHD+ वाली ट डिस्प्ले दी जाएगी और इसमें वन ट्वेंटी हर्ट्स की हायर स्क्रीन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और गैस पिछली बार टू फोर्टी का मिल सकता है और सिक्योरिटी स्मार्टफोन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा बाकी परफॉर्मेंस वाइज भी रेडमी नोट इलेवन प्रो मैक्स स्मार्टफोन अपग्रेडेड होने वाला है बिकॉज इस स्मार्टफोन में आपको कोलकोम का प्रोसेसर दिया जाएगा और उमर्स के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन में आपको

में सेम रहने वाली है और इसके साथ आपको अगेन थर्टी थ्री वोट चार्जिंग का स्पोर्ट ही दिया जाएगा और रेडमी नोट इलेवन प्रोमेस स्मार्टफोन आउट ऑफ तो द बॉक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी स्मार्टफोन में आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाएगा एंड लास्ट में कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको एलपीडी डीआर फोर एक्स रेम यू ए फू पॉइंट टू स्टोरेज दी जाएगी और यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर थ्री पॉइंट फाइव एम एम हेडफोन जे का स्पोर्ट भी मिलने वाला है इसके अलावा प्राइस पॉइंट की बात करें तो रेडमी नोट इलेवन प्रोमेक्स स्मार्टफोन से रिलेटेड अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है बट रूमर्स के बेसिस पर बात की जाए तो Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में 21,000 के अराउंड स्टार्टिंग प्राइस के साथ देखने को मिल सकता है एंड अब आते हैं फाइनली इसकी लॉन्चिंग की तरफ तो रेडमी अपनी नोट सीरीज के स्मार्टफोन को यूजली मार्च मंथ में ही लॉन्च करता है रेडमी नोट इलेवन सीरीज के स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में रियलमी की नाइन सीरीज के बाद ही देखने को मिलेंगे तो लेके चलो आपको रेडमी नोट इलेवन प्रोमेक्स स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में फरवरी एंडिंग या फिर मार्च स्टार्टिंग तक देखने को मिल सकता है होगा ये कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो कि मेरे अकॉर्डिंग स्मार्टफोन में रहने वाली है तो यहीं पर वीडियो खत्म हो जाती है गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सो so, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपके डिवाइस पे देखने को मिल जाएंगे